हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल राजू तापला साठ बाई चालीस में। दोस्तों आपको मैं आए एक हफ्ते से वीडियो और लेक्चर्स आपको अपलोड नहीं कर रहा था। मैं कहीं चले गया था अपने दोस्त के मैरिज में। आपको आप मेरे कहीं फेसबुक अगर आप चलाते हो तो मेरे फेसबुक में देखे होंगे अपलोड किए थे, इस वजह से आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहा था। लेकिन आज से फिर आपको मैं स्टार्ट करा रहा हूँ लेक्चर्स, जहाँ से मैं आपको छोड़ रखा था वहीं से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर से जब तक आप देख चुके होंगे और काफ़ी नए नए आप बात सीख चुके होंगे, लेकिन हम लोग कहाँ तक गए थे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको कुछ बात बताए थे, सारे तो साथ कंप्लीट नहीं कराए थे क्योंकि क्वेश्चन उसका बाकी है। मतलब आपको जैसे कंपाउंड क्वार्टरली होगा तो कैसे निकलेगा, मंथली कंपाउंड, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड, एनुअली रहेगा तो किस कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला क्या होते हैं दोस्तों, ये भी बताए थे आपको। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है ये भी बता रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मतलब कैसे निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट तो पहले आपको मैं बता दूँ, वो तो आपको नॉर्मल है, वो पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था, पी आर टी अपन हंड्रेड, मीन्स पी आई आर बाई हंड्रेड मतलब आई डी नोट किया था, आई डी नोट करके हमने आर बाई हंड्रेड क्या किया था, आई डी नोट। तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर से मतलब डिनोट कर रहा है तो आर वाइज जो भी हंड्रेड हो वो आप मत लिखिए, सीधे आई लिखिए। आई इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी स्मॉल आई और टी, ठीक है। इन सब बातों को प्रिंसिपल वगैरह प्रिंसिपल ये मतलब अमाउंट हो जाता है, ठीक टाइम, इन बातों की भी डिस्कस हम किए थे बहुत सही तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में आपको इस वो सारे डिस्क्राइब किए थे जो आपको नहीं समझ रहे तो हो ही नहीं सकता है। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट की एक्सरसाइज भी खत्म हो गया था। ओके, आप पूछ रहे ट्रिक कैसे, ट्रिक भी सिखा रहा हूँ मैं, एक चाहता हूँ वीडियो आपको कैलकुलेट ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन वो किसी मतलब ऐसे आपको लेक्चर से डाल दूंगा, वो तो लेक्चर से नहीं रहेगा कि हाउ टू कल। अब कोई एक नॉर्मल सा रूट निकालना है कि किस चीज़ का कैलकुलेट ट्रिक, मैं आपको उसमें अब क्या बोलते हैं थंबनेल होगा उसमें आपको दिखाएंगे या टाइटल आपको लिखा होगा, तो आप उसके लिए भी आप इंतजार कीजिए, वो भी मैं वीडियो करूँगा। क्योंकि लेक्चर से हमारा बहुत पीछे हो गया, 7 दिन होता है तो बहुत ज़्यादा पीछे होता है, इसलिए मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी आप लास्ट तक बने रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट के आज हो सकता है तो ख़त्म करा दिया जाए, क्वेश्चन सिलेशन सारे ही एक लेक्चर ओवर, क्योंकि हम लोग का इसमें यूनिटी पढ़ना है, ठीक है, बहुत इसमें भी पढ़ना है, सिंकिंग फंड से में कैसे बनते हैं, लीज अकाउंट भी इसमें होगा, पब्लिकेशन भी पढ़ना है, बहुत सारे इसमें भी है। क्योंकि ये जो फाउंडेशन के हैं उनको लेके इसमें से 12-13 मार्क्स कंपलसरी होता है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम उतना 15 भी आ जाता है, कभी कभी 14 भी आते हैं, लेकिन 10 10 प्लस इतना आप समझिए कि 10 मार्क्स मीन्स ये चैप्टर का आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसमें एक एक हर एक बात आपको जानना जरूरी है। अगर आपको ये एक मिस्टेक हुआ ना तो फिर आपको मार्क मतलब यूनिटी जो पढ़ाएंगे, कंपाउंड सिंपल तो आप बनाए लो, लेकिन जो यूनिटी आता है ये दोनों बायक कंपार्ट्स में बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। यूनिटी में फ्यूचर्स आप यूनिटी पढ़ोगे, प्रेजेंट यूनिटी, ये सब आप उनको अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के आपको पहले यही बताना चाहता हूँ, तो पिछले भी जितने भी एक हफ्ता का मिस हुआ है वो आप छोड़ दीजिए, आप यहाँ से फिर नए स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़े थे, वहीं से आपको डेली फ्री लेक्चर्स मिलेगा। हो जाता है कभी कल फैमिली में या किसी मेंबर में शादी विवाह कुछ भी हो जाए और पूजा पाठ, तो कभी कल आपको लेक्चर्स नहीं दे पाता हूँ। ऐसे कोई आप मतलब ईमेल कर जाके मैं छोड़ दिया आपको, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तो और इन टाइम प्रिपरेशन बच्चे जो भी देख रहे हैं उसके लिए कह रहा हूँ कि आपको कैलकुलेटर स्मार्ट ट्रिक में 7 मार्क करेंगे। कभी एक्सरसाइज कराता हूँ तो मैं स्मार्ट ट्रिक कैलकुलेटर और रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल क्या कराता हूँ दोस्तों, लॉन्ग तरीके उसको भी शॉर्ट समझाता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग में बनाता हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि आगे भी जो भी क्वेश्चन है उसको शॉर्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा लॉन्ग के तो शॉर्ट कैसे बना सकता हूँ, जितना बार बोला आपको बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम बुक निकालते हैं आईसीएस टेबल के, वहाँ से फिर जो भी बचा है क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन क्या है वहाँ से आपको मैं बताने वाला हूँ, और साथ में लास्ट तक बनेगा। और आप नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा जो भी सोशल मीडिया का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम के आईडी राधे गुप्ता 1 8 5 है, फेसबुक के राधे गुप्ता लिंक में मिल जाए आपको। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी ये पिछली लेक्चर सब प्रीवियस लेक्चर्स लेक्चर्स नंबर 21 था सर, तो आपको वो भी इसका लिंक क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो आप चलिए कॉपी और पेन
कि बुक्स भी निकालिए साथ में, जो भी इंट्रांस प्रिपरेशन बचे तो अपना खुद पे निकालिए, बाद में अपने बुक्स मैच कीजिएगा और साथ में पढ़ लें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम भी निकाल दें, आप भी निकालिए बुक। चलिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के बातें करते हैं। किसके बात करते हैं दोस्तों हम सब? कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के हम चर्चा कर रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों आपको फॉर्मूला क्या क्या पढ़ाते हैं एक बार मैं देखना चाहता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के दोस्तों फॉर्मूला आपको था पी वन अपॉन वन प्लस आर अपॉन के पावर टी और माइनस वन, ये था दोस्तों। क्या फॉर्मूला ये था दोस्तों? बिल्कुल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? ये था। इसी में आपको क्या था, अमाउंट निकाला फॉर्मूला क्या था, ये इजकल टू पी वन प्लस आर वाई अपॉन 100 को पावर टी। क्या यही था? बिल्कुल हमारा ये फॉर्मूला था। तो हम ये सब बातों पर थे। उसके बाद में कंपाउंड क्या होता है, मंथली होता है, कंपाउंड ईयरली, मतलब मिनु एनुअली कहते हैं ना उसको, बिल्कुल कंपाउंड मंथली, कंपाउंड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन बातों सब के आपको मैं भी बताया था। अभी मैं पीछे पेपर आपको ये पेज में लिखा होगा वो भी देखा तो आपको देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड क्वार्टरली, मंथली, आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन करके भी आपको लिए कंपाउंड एनुअली होगा। कंपाउंड क्या होगा? एनुअली होगा। तो हमारा 420 इंटरेस्ट निकल के आ रहा था, सेम वही था, लेकिन देखिए डिफरेंस एनुअली होता है तो 420 आता है, 30 कितने डिफरेंस है, 11। ये दोनों में इंटरेस्ट कितना डिफरेंस है? अगर सेम एनुअली है तो कंपाउंड हमारा कितना बन के आ रहा है, 431। अगर क्वार्टरली है 436 और मंथली तो 440। इसलिए बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बनाया जाता है तो हर जो भी क्वार्टरली मंथली सब क्या होगा, डिफरेंट सेम नहीं आता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों। तो अब बहुत सारे चीज़ में कंपाउंड सिंपल तो कम ही में लगता है, कम ही चीज़ में लगता है, कंपाउंड क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है। तो ये आपको मैं लिखाया था। तो आइए फिर जब इसका मतलब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए थे, तो क्वेश्चंस नंबर कितने आ रहे हैं, कितने आपको एग्जांपल नंबर था ऊपर लिखा हुआ, एग्जांपल्स नंबर 12। आज हम फिर 30 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों एग्जांपल 13 क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों एग्जांपल्स नंबर 13, एग्जाम्पल 10 क्या वाला, डिटरमाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें कंपाउंड अमाउंट क्या होगा और इंटरेस्ट क्या होगा दोनों पता लगाना है। प्रिंसिपल क्या दे रखा है, ₹1000। उसके बाद में क्या वाला, 8.6% रेट क्या हमारा होगा, 6%। और उसके बाद वाला कंपाउंडेड सेमी इनवॉल्व दोस्तों, क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कंपाउंड एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, क्या है वो आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो उसको क्या मान लेंगे, एनुअली मीन्स क्या मान लेंगे दोस्तों, वो ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली नहीं मानेंगे, क्वार्टरली क्या मानेंगे, सीधा एनुअली होगा। तो अगर नहीं होगा तो हम क्या उसको एक साल मान लेंगे, ठीक है। 4 6 ईयर, कितने ईयर्स के लगे, 6 ईयर्स के। गिवन डेट आपको ऑब्जेक्टिव वाला पेपर के लिए ये चीज़ अगर गिवन दे दे रहे हैं तो हमें बहुत आसान होता है। आप पहले लॉन्ग तरीके से करेंगे, फिर ये गिवन दे रखा है, इसका मतलब जो भी इंट्रांस प्रिपरेशन है उनके लिए स्मार्ट ट्रिक ऐसा ही होगा कि आपको गिवन इतना, जो भी 1 + r/100 के पार्ट टील करते हैं उनका वैल्यू पहले आपको ये दे चुका है। अगर नहीं दे तो लॉन्ग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा और शॉर्ट भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए हमें क्या क्या निकालना है, कंपाउंड अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें ये सब गिवन दे रखा है और क्या है, सेम एनुअली है, ठीक है, सेम। तो आइए दोस्तों इन क्वेश्चन को हम करते हैं साथ में। आइए दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 13,
एग्जाम्पल नंबर 13 बच्चों, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम्पल्स नंबर 13, एग्जाम्पल्स नंबर 13 में आपने क्या निकाला था, कंपाउंड अमाउंट। और पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या दोस्तों, गिवन तो आपको दे रखा है पी इजिकल टू ₹1000, ठीक है। उसके बाद में आर, आर इजिकल टू क्या दोस्तों, कितने परसेंटेज है, 6%। क्या सेविंग था ना, टी इजिकल टू पहले लिख देते 6 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आर पे 6/100 करें इसको निकाला, तो यहाँ पर दोस्तों सेमी एनुअली बोला है, तो यहाँ पर 100 नहीं होगा, क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, 6/200 होगा, क्या होगा, 200। आपको पहले बताया था ना कि जब मंथली होता है, अगर मंथली है तो क्या होगा, अपन में क्या होगा, मंथ में क्या, साल में 12 महीने होता है तो 12, क्वार्टरली होगा तो दोस्तों नी अपन में क्या होता है, 400, ठीक है। हाफ ईयरली सेम लगा तो क्या होगा भाई, 200, जो यहाँ पर हमें लिखा, ठीक है दोस्तों। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आपको समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। तो ये नियम निकाल लेते हैं, कैलकुलेटर कहाँ है, सूर्य देवता, कैलकुलेटर देवता फर्सन हो, और एक मिनट दोस्तों कैलकुलेटर नहीं लाओ, चलिए आइए 6/200 करें, कितना आएगा, 0.03। 0.03 हमारा क्या निकल के आ रहा है, आई निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर हम आई निकालते हैं तो हमारा ये निकल के आ रहा है, समझ आ गया, क्या समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब हमें इन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और कंपाउंड अमाउंट निकालना है, आइए इसमें कुछ है नहीं। अब तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे दोस्तों, फॉर्मूला क्या था हमारा, कि P1 + R/100 के पावर T-1, यही था ना, बिल्कुल यही था। हमें प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 1000, ओके 1000 दे रखा है प्रिंसिपल, 1। ये यहाँ पर 100 लिखा दोस्तों, क्या गलत किया, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, 200 होगा, क्या होगा, 200, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, 2T होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। 1 + R/100 मीन्स, ये तो अभी स्मार्ट ट्रिक के लिए आई इक्वल टू निकाल लिया था, ये अभी यहाँ पर पहले लॉन्ग कर रहे हैं। R/200 मतलब 6/200 पावर 2T, जो भी ईयर्स दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 ईयर्स, गिवन क्या है, 6, 6 2 12, और क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या समझ आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल बिल्कुल आपको समझ आ रहा दोस्तों, मुझे यकीन है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, उसके बाद में क्या करना है, आप इसे सॉल्व करें तो 1000, ठीक है, 6/200 करेंगे और +1 करके क्या 12 टाइम्स क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे दोस्तों, कैलकुलेटर ठीक सीखे दोस्तों, 6 करेंगे डिवाइड क्या करेंगे, 200, समझ आएगा ना, इसको कितना हो गया, इतना निकला। अब उसमें क्या करेंगे, ये जो +1 है दोस्तों, ये भी +1 है, इसको पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे +1, और उसके बाद में क्या करेंगे, इक्वल टू दबा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बोला है कि 12 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6/200 के +1 के उसका क्या करना है, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो जो भी एक बार अगर ये बटन दबाते हैं ना, उसके बाद में इक्वल टू क्या होता है, 2 बार हो जाता है, क्या होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना निकल गया दोस्तों, 1.42576, ज़्यादा नहीं, 4-5 लेना है, क्या लेना है, ये 0 0 है ना, इससे पहले जो भी है वो लेटर में लेना है, 1.42576 जो भी नंबर है वो क्या है, हमें लेना है। तो आइए लिखते हैं, और क्या डायरेक्ट -1 कर दे क्या, जो भी आ रहा है, पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं क्योंकि लॉन्ग है, तो इसलिए 1.42576 - 1। अब इसमें क्या कर दिए, 1.42576 - 1,
कितना आ रहा है, 0.42576। 1000 मल्टीप्लाई 0.42576, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी हमारा निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा दोस्तों, 1000 मल्टीप्लाई 0.42576 कितना निकल के आ रहा है, 425.76। 425.76 ये निकल के आ रहा है, बिल्कुल निकल के आ रहा है दोस्तों। अब इसमें ट्रिक होता है कंपाउंड अमाउंट निकल, ट्रिक होता है दोस्तों कंपाउंड अमाउंट निकलते हैं, आपने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट में क्या पढ़ता है, याद है कि नहीं, कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, क्या पढ़े थे आप, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इसमें भी ऐसा ही कर दिए, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 1000 है प्लस कंपाउंड इसका क्या निकल गया, 425.76, इन दोनों को जोड़ दीजिए हमारा क्या निकल गया जाएगा, कंपाउंड अमाउंट। ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग भी आपको मैं बताऊँगा, पहले ऐसे बता दिया कितना निकल के आ रहा है, 1425.76, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, कंपाउंड अमाउंट है, ये हमारा क्या निकल गया दोस्तों, कंपाउंड अमाउंट। अगर निकालना ही है तो आइए निकाल के बता देते दोस्तों, अगर निकालना ही है कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं जैसे किया तो ऐसा ही करेंगे। आइए, जब ऐसे है बात है तो इसका भी फॉर्मूला दिया ही है, P इजकल टू 1 + R/200, सेम इन वो लिया तो ऊपर के 2T हो जाएगा, हाँ -1 यही होगा ना, क्या यही होगा, बिल्कुल यही होगा। इसके बाद में P 1000 दिया है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या लिखा गया, 1 + 6/200 / -1 1000, ठीक है दोस्तों। ये निकल कितना आ रहा था, अभी यहाँ पर कोई लिखिए थे 1.42576, सॉरी -1 तो इस फॉर्मूले में है ही नहीं, तो दोस्तों 1.42576 क्या ये हमारा निकल क्या रहा था, बिल्कुल। अब इसमें 1000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 × 1.42576 कितना निकल के आ रहा है, 4025.76। क्या ये दोनों आंसर, ये वाला आंसर और जो ऐसे निकालते आंसर क्या सेम है, बिल्कुल सेम आएगा, ये बस आपको मैं तरीका बता रही हूँ दोस्तों। अब दूसरी ट्रिक, आपको गिवन में तो ये भी दे रखा था 1 + नीचे लिखते दोस्तों, आपको देख दोस्तों गिवन में आपको ये भी दे रखा था, याद है कि नहीं है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 + i/n क्या लिखा था, एन मतलब एन जो भी मतलब था, 200 या 100 या 400, तो ये हमारा जो भी गिवन के हैं दे रखा है, बोले जो भी क्वेश्चन उसका ये 1 + R/200 / 2 निकल कितना आया था, पहले आपको देखा था 1.42576 और गिवन ऐसे लेके दिया था, ठीक है, उसमें बोले एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3%, क्योंकि 4 6 यस बोला है, और उसको क्या करना है, हाफ एलिमेंट डिवाइड बाई 2 करेंगे, 3 आएगा, बिल्कुल यही उसने कर रखा, कुछ नहीं करेगा, क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ हमारा ये डायरेक्ट अगर दे रहा है, अगर डायरेक्ट मुझे 1.42576 होल के निकाल के, मीन्स ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में P1 + R/200 था, power 2t - 1, मीन्स इतना का वैल्यू हमें दे रखा है दोस्तों, इतने सारे हमने हम लोग का वैल्यू दे रखा है, 1 + R
अपन 200 पावर 2, ठीक है, भले क्या देखा है पहले दे चुका है गिवन है, तो हमारा करना बहुत आसान बन जाता है ना, बिल्कुल बन जाता है। 1000 इसका हो गया, अब इतने टोटल के दे रखे कितना, 1. सॉरी पहले वो बड़ा कर दो, 1.42576 पहले क्या दे रखा है गिवन दे रखा है, माइनस बस बस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये ट्रांसफर ले लेके ये गिवन देगा तो बहुत आसान पड़ेगा, बिल्कुल इसलिए गिवन देता है, अगर नहीं दे रखा है तो उससे निकालेंगे, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। दोस्तों ये देखना है किसका किसका मतलब निकाल के दे रखा है, कभी काल टोटली नहीं दिया होगा है, आपको समझना ज़रूरी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर आएगा दोस्तों, 1000 हो गया इंटू 0.42576 कितना, ठीक है 425.76 आ गया इंटरेस्ट, 425.76। बहुत आसान दोस्तों कि आपको कितने इसमें मेथड सिखा दिए दोस्तों, कि पहले आपको लॉन्ग कैसे करना है, कंपाउंड अमाउंट निकालना है तो इंटरेस्ट निकाले, प्रिंसिपल सीधा जोड़ दो आगे निकाले, अगर नहीं है तो निकालेंगे कैसे वो भी आपको बता दिए, अगर गिवन में इस तरह का दे ही रखा है तो हमें उतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं, हमें शॉर्ट करना है तो डायरेक्ट सीधा करना है, देखिए यहाँ पर सीधा कैलकुलेटर में करेंगे तो फॉर्मूला बस याद आपको है, सीधा करेंगे क्या माइनस वन होता है तो 1.42576 करके 1.42576 करके दे ही रखा है, कि माइनस वन करेंगे सीधा 1000 करेंगे बस इंटरेस्ट निकल के आ गया, ज़्यादा आपको टाइम लगा नहीं, बस 10 सेकेंड हो गया आंसर निकल गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना है 14 वर्स क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं साथ में और उसको भी करेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल्स नंबर 40 क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल्स नंबर 40 में कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रू 4000, क्या लिखा है, क्या हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, ठीक है बिल्कुल। 4 1 1/2 मीन्स दोस्तों 1.5 मतलब 1.5 ईयर्स, डेढ़ वर्ष बोलते हैं जैसे, और रेट कितना है 10% पर एनम, कंपाउंड एंड हाफ ईयरली दोस्तों, हाफ ईयरली और सेमी ईयरली क्या है एक ही बात है ना, बिल्कुल। तो हमें क्या क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, उसके बाद में ये टाइम भी दे रखा है और रेट दे रखा है, तो हमें कंपाउंड हाफ ईयरली से क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बहुत सिंपल है, आइए इन्हें करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी 13 किया है उसी तरह है। चलिए इसमें आपको क्या दिया, गिवन नहीं दिया दोस्तों, आपको 1 + i^n = कुछ लिख के दिया था जिसमें n = 3 हो जाएगा और n = 12 हो जाएगा और r = 3 होगा, इस तरह दिया रखा था, कोई नहीं इसमें नहीं दे रखा है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे आइए करेंगे, बहुत सिंपल है जिस तरीके बोला हूँ बताया था, लेकिन इसको भी शॉर्ट तरीका सिखाएंगे एक्सरसाइज में दोस्तों। चलिए ये प्रोटीन स्कूटर को साथ में करते हैं दोस्तों, दोस्तों हम एग्जाम्पल्स नंबर कितने हैं 14, एग्जाम्पल्स नंबर 14 में हमें गिवन क्या कर दोस्तों, हमें गिवन दे रखा है दोस्तों, एक तो प्रिंसिपल दे रखा है जो अरे कितना है 1000 नहीं दे रखा, नहीं 4000 है, क्या है 4000, और दूसरी बात हमें टाइम भी दे रखा है 1.5 ईयर्स दे रखा है दोस्तों, 1.5 मतलब 1.5 ईयर्स, डेढ़ वर्ष मानेंगे, और रेट ऑफ भी दिया है 10% पर एनम, ठीक है 10% लिख दें कोई दिक्कत नहीं, और ये हमें क्या दे रखा है दोस्तों कंपाउंड एनुअली से नहीं निकालना है, क्या से निकालना है सेमी एनुअली, क्या से निकालना है दोस्तों कंपाउंड सेमी एनुअली मीन्स हाफ ईयरली और हाफ ईयरली, ठीक है क्या समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, क्या समझ आ रहे, बिल्कुल समझ आ रहा, तो आइए इन्हें निकाल दें, इसमें और कुछ है ही नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले ना बिल्कुल, इसमें ही नहीं कुछ दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला पड़ा गया P1 + R = 200 लिखेंगे, 100 पर 200 को पावर 2t और -1 है, यही है दोस्तों बिल्कुल यही है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है 4000 और इसको निकालेंगे दोस्तों 1 + R बनेगा 10 हो गया और 200
पावर टू टी, टी कितना रहेगा डेढ़ वर्ष, और डेढ़ वर्ष 1.5 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा, मतलब 3 वर्ष हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस 1। अब ये दोस्तों 10/200 करेंगे प्लस 1 करेंगे और उसको क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करके माइनस 1 भी क्या करेंगे घटा के डायरेक्ट कर देंगे सारे के। देखिए पहले क्या करेंगे 10/200 करेंगे उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा इतना निकल के आ रहा है करेंगे। अब इसमें क्या करना है 3 टाइम्स, मतलब एक बार मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो क्या आ जाता है 2 टाइम्स, एक बार और स्कूल दोबारा तो 3 टाइम्स हो गया, उसमें माइनस 1 कर देंगे, माइनस 1 था ना दोस्तों बिल्कुल सेवन करेंगे कितना रहा है 0.1। अब डायरेक्ट क्या कर देंगे 4000 मल्टी हमारा आंसर करके निकल देंगे, सॉरी 1 दबा देंगे, फिर से करते हैं 10/200 प्लस 1 इंटू क्या 3 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स माइनस 1 कर कितना आया, इतना आया था बिल्कुल इतना था दोस्तों, और इसमें इंटू मतलब क्या करते हैं 4000 कर देंगे कितना रहा 630.5 हमारे क्या निकल के आ रहा है 630.5 वहाँ निकल के आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है, क्या निकल गया दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है हमारा 630। क्या समझ आ रही कि नहीं आ दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ आया होगा। अब अगर मान लो इसी में बोलता है कंपाउंड अमाउंट निकाल दो तो कोई दिक्कत ही नहीं था, कंपाउंड अमाउंट निकालने के लिए बोलता तो हम यहाँ पर ये कर देते इस सीधा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कर देंगे, पी हमारा 4000 दे ही रखा है और प्लस 630.5 हमारा क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन दोनों जोड़ दीजिए 4000 प्लस 630.5 करेंगे तो 463 मतलब 4630.5 आ जाएगा, कितना जाएगा 4630.5 हमारा क्या हो जाएगा निकल के कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको निकालने के लिए नहीं देता, आपको बस बता रहा हूँ तो डायरेक्ट ऐसे आपको निकाल लेते हैं ठीक है। आइए अगले देखते हैं क्या है एग्जांपल नंबर 15 में दोस्तों, एग्जांपल्स नंबर 15 क्या बोला है कि ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंडेड इंटरेस्ट इट 5% पर एनम, आप क्या बोला कि व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल आपको पूछ रहे हैं कि क्या होगा फॉर 2 ईयर्स कंपाउंड एंड एनुअली मतलब आर इजिकल टू 5% हो गया, टाइम हो गया 2 वर्ष और हमें इंटरेस्ट दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, हमें क्या निकालने के लिए बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है प्रिंसिपल। अगर एक क्वेश्चन की साइज हो मैं इसको स्मार्ट तरीके से सिखाते हैं पूरे हो लगे थे, लेकिन अभी तुम लॉन्ग कराएंगे दोस्तों बिल्कुल। तो आइए हम निकालते हैं, हमें 3 चीज़ भी अभी भी गिवन दे रखा है और क्या निकालना है सम निकालना है। आइए दोस्तों कैसे निकालेगा साथ में निकालते हैं। आइए दोस्तों एग्जांपल्स नंबर कितने हैं, एग्जांपल्स नंबर 15, एग्जांपल्स नंबर 15 में आपको क्या क्या गिवन था कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों इसमें गिवन दे रखा है कितना दे रखा है 1614 ये दोस्तों बिल्कुल। उसके बाद में आपको दे रखा है टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स दे रखा है और रेट कितना था दोस्तों रेट हमेशा 10% था दोस्तों, कितना था 5% दोस्तों, 5% हमें दे रखा है आर इजकल टू 5% दे रखा है पर एनम। क्या ये कंपाउंड मंथली से मैंने कुछ इसमें बोला था क्या इसमें था, बिल्कुल नहीं था, कंपाउंड एनुअली है, क्या है कंपाउंड एनुअली, हमें क्या निकाला दोस्तों इसमें प्रिंसिपल क्या होगा हमें ए निकालना है ठीक है, प्रिंसिपल क्या होगा हमें ये निकालना है इसमें। तो आइए दोस्तों इससे हम कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है बहुत सिंपल दोस्तों बहुत सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए क्या होता है पी 1 + r/100 / t - 1 क्या निकालना है ए प्रिंसिपल ए निकालना है प्रिंसिपल सम कितना होगा मतलब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें गिवन है तो लिखिए 1640 ये अगर किसी साइज हम क्या निकालते हैं स्मार्ट ट्रिक, अभी आपको एग्जांपल इंस्टॉलेशन है तो आपको मैं लॉन्ग टर्म कैसे बताऊंगा पी मतलब पी कितना है निकालना है 1 + r/100 बनेगा 5/100 / t मतलब 2 हो गया माइनस 1। अब ये टोटली जब कैलकुलेटर में निकालते हैं फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। आइए पहले लिख लेते हैं
1640 इक्वल टू पी मल्टीप्लाई, टोटल कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट क्या करना है कैलकुलेटर पर, पहले 5/100 करेंगे, फिर प्लस 1 कर उसको 2 टाइम्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 1 भी कर देंगे। आइए पहले तो करना है 5/100 प्लस 1 करेंगे, इतना हो गया दिक्स, ठीक है। उसके बाद एक बार दबाने के बाद इसको, एक बार मल्टीप्लाई दबाने के बाद इसको दबाएंगे दोस्तों, हमारे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स जाता है, ठीक है। और इसमें माइनस 1 कर देंगे तो क्या निकल गया 0.1025, क्या निकल गया दोस्तों 0.1025। अब इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, प्लीज कर दो 1640/0.1025, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इन्हें हम डिवाइड कर दें दोस्तों, ये मैं यहीं पर कर सकता हूँ, देखिए ये हमारा जो नंबर था ये नीचे वाला दे रखा है, क्या डिनोमिनेटर वाला दे रखा है वैल्यू, तो हम इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर कैसे ले जाएंगे, डिवाइड इक्वल टू कर देंगे और कितना दे रखा है 1640 लेके फिर डिवाइड कर दूंगा, निकल के आ जाएगा इसका 60,000, या डिवाइड कीजिए 1640/0.1025, कितना निकल के आ रहा है 60,000, दोनों से एक ही बात है, क्या आंसर निकल के आ रहा है हमारा 60,000, हमारा क्या निकल के आ रहा है सम निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है दोस्तों सम, क्या बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कुछ नया बात ही नहीं देखने को मिले, हाँ बस इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकले, बोला क्या निकलते सम निकाले, कैसे निकलते, क्या समझ आ गया, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 16 नंबर एग्जांपल क्या है, आइए दोस्तों 16 नंबर एग्जांपल्स में क्या क्या है हम देखते हैं, देखिए दोस्तों 60,000 और क्या निकलेगा सम निकलेगा, बिल्कुल यही और कुछ इसमें है ही नहीं, 16 नहीं निकले, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या पूछा है दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा यही पूछ रहा है, बिल्कुल क्या वाला है कंपाउंडेड एनुअली, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड एनुअली क्या वाला है डबल्स एंड इन्वेस्ट इन 7 ईयर्स, इन्वेस्ट इन 7 ईयर्स लिखा है, क्या वाला कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो क्या वाला कंपाउंड यानी डबल इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर्स बोला है, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है अगर अगर अमाउंट क्या होगा 1 होगा तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 2, मतलब प्रिंसिपल 1 होगा तो हमारा अमाउंट क्या होगा 2, मीन्स ए इजकल टू 2p, ये होगा ना, बिल्कुल। आइए इन हम कैसे करते हैं आपको मैं समझाता हूँ सही से कॉपी में लिख के, आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स नंबर 16, एग्जाम्पल्स नंबर 16, एग्जाम्पल्स नंबर 16 में आपको व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई बात नहीं आपको बोला है, अगर मान लो लेट इफ द प्रिंसिपल कितना होगा दोस्तों, अगर हम प्रिंसिपल पी लिखें तो प्रिंसिपल पी देन कितना जाएगा एज कल टू पी, ये होगा दोस्तों तो डबल बोला है ना, डबल बोला एज कल टू क्या हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा, मतलब अगर प्रिंसिपल एक है तो अमाउंट क्या होता है तो होता है, तभी तो क्या होगा दोनों और एज कल टू पी पहले बोला है कि पी इक्वल टू ए तो एज कल टू क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें फार्मूला आपको पता है, आपको फार्मूला कौन सा पता है दोस्तों, ये पता होगा कंपाउंड अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या था, ए इजकल टू पी 1 r/100 power t, क्या यही था फार्मूला, क्या फार्मूला आपको यही था, बिल्कुल यही था, तो ए के जगह क्या लिखेंगे 2p लिखेंगे दोस्तों, इजकल टू क्या है हमारा 2p है ना, फार्मूला हमारा ये दिया गया है तो ए इजकल क्या हो जाएगा 2p इजकल टू पी 1 r, तो वैल्यू दे रखा था कि नहीं, यही तो निकालना है, ओपन में 100 और कितने ईयर्स है दोस्तों, कितने ईयर्स है दोस्तों 7 ईयर्स है, कितने ईयर्स है दोस्तों 7 ईयर्स है,
ये हमारा यहाँ पी से पी तो कर देगा, क्या बन क्या रहा है, टू इज इक्वल टू वन प्लस आर अपन 100 पावर 7, क्या निकल गया 7। और हमारा क्वेश्चंस में एक और गिवन क्या था दोस्तों, गिवन क्या था कि 2 के पावर 1/7 इज इक्वल टू, पहले क्या देगा वैल्यू देखा कितना 1.0 कितना देगा दोस्तों 0.4090, ये हमें क्या दे रखा है 2 के पावर 1/7 के वैल्यू देगा। मीन्स अगर इधर क्या है होल के पावर 7, तो इधर अगर ट्रांसफर होगा इसको तो इसको पावर 1/ लिखा जाता है बिल्कुल, अगर ये 1/7 तो इधर आ गया होगा 7, 1 प्लस आर अपन 100 तो निकल ही जाता है इसका वैल्यू आगे। लेकिन अगर दोस्तों अगर 2 के पावर 1/7 नहीं दे रखा तो हमें ये 2 जब जो भी हमारा क्या होगा आंसर होगा उससे दे के निकालते, लेकिन इसको मैं कैलकुलेटर ट्रिक आपको सिखाऊंगा। अभी चलो गिवन दे रखा है तो आपको रख रहा हूँ, एक कैलकुलेटर ट्रिक है लेके आऊँगा वीडियो, तो उसमें आपको ये सब सीखने को मिलेगा। तो आइए क्या वैल्यू हमारा 1.04090 इक्वल टू अब 1 प्लस आर अपॉन 100, अब ये 1 इसे माइनस कीजिए R/100 इक्वल टू ये जगह तो माइनस होगा तो क्या निकल के 0.4090। अब इन 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 से आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 0.4090 यही है ना इनटू 100 क्या रहा है 14.9, 14.9 क्या हमारा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया, आंसर 40 आ रहा है इसलिए नहीं मिल रहा है, यहाँ पर 1.104090 दोस्तों 1.104090 इसलिए बोलता है कि मिस्टेक हो तो 0.14090। अब हमें इसे क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए 0.14090 इंटू 100 क्या निकल 14.09 मीन्स 14.14.1% हमारा निकल के आ जाएगा, डेट निकल के आ जाएगा। क्या समझ आ रही कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, ये हमारा क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है, क्या इसमें कितने क्वेश्चन हैं दोस्तों, इसमें आपको और 4-5 क्वेश्चन और मिलेगा दोस्तों। आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स नंबर क्या देखेंगे अब 17, एग्जाम्पल्स नंबर 17 क्या है दोस्तों, आइए इन बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है एग्जाम्पल्स नंबर 17, इन व्हाट टाइम, अब टाइम पूछ रहा मैं कितना होगा, इन व्हाट टाइम्स विल रू 8000 अमाउंट टू 8820, क्या वाला है ये हमारा क्या प्रिंसिपल कितना है 8000 है और हमारा अमाउंट क्या है 8820, 10% हमें मींस प्रिंसिपल भी दे रखा है अमाउंट भी दे रखा है और रेट देखा रहा है हमें, और ये भी देखना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या करना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली से निकलेगा, तो हमें अमाउंट दे रखा है प्रिंसिपल रेट दे रखा है और टाइम क्या करना है निकालना है। तो आइए बहुत सिंपल दोस्तों साथ में करते हैं ये भी क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स नंबर 17 क्या है दोस्तों, इसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है कितना है 8000 और अमाउंट भी दे रखा है जो उसका वैल्यू 8000 8820, ठीक है, और टाइम हमें निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना दोस्तों 10% पर एनम, कंपाउंडर क्या है सेमी एनुअली, ठीक है दोस्तों हमें ये चीज़ आपको दे रखा है, क्या निकालने के लिए बोला टाइम, हमें टाइम निकालने के लिए कह रहा है, तो कैसे निकले दोस्तों बहुत आसान है, वही फार्मूला जो हम अभी लगा रहे हैं तो वही फार्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी,
क्या यही फॉर्मूला है? बिल्कुल यही फॉर्मूला है, इससे कुछ नया फॉर्मूला है नहीं। तो मान देख के ना, 8820 इज इक्वल टू 8000, 1 प्लस आर कितना है 10%। अब यहाँ पर 100 नहीं लिख, क्या लिखेंगे दोस्तों, 200, और यहाँ पर 2t, तो 10/200 और 2t मीन्स टाइम तो निकालना है, ठीक है। अब इन्हें इसको डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा, 8000 8820 डिवाइड 800, 1.1025, 1.1025। दोस्तों आपको लगे जाएगा तो माइनस नहीं, ये मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई किया है ना, इस नीचे रखेगा डिवाइड होगा, ठीक है। इक्वल टू 1 प्लस 10/200, 10/200 कितना होगा दोस्तों, 0.05, 0.05, और प्लस वन कर देंगे तो डायरेक्टली लेते हैं प्लस वन करते हैं, 1.05, 1.05 के पावर 2t, ये बिल्कुल यही है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू दे रखा है ना, अब ये भी जो टर्म दे रखा है ना, ये टर्म के कितने हम टाइम्स करेंगे तो हमारा 1.1025 आएगा दोस्तों। कितना टाइम्स करेंगे तो 1.102 क्या अगर आएगा तो हमारा आंसर सही है, नहीं हो तो हमारा कुछ मिस्टेक है। आइए 1.05 के कितने टाइम्स करेंगे, अब एक बार मल्टीप्लाई दबाएंगे तो इसको दबाते 2 टाइम्स आता है, कितना रहा है 2 टाइम्स, क्या हमारा वैल्यू यही क्या है, ओहो 2 टाइम्स में हमारा क्या जा रहा है, 2 टाइम्स में हमारा क्या जा रहा है दोस्तों, ये सेम आ जाता है 1.05 के पावर 2t। अब बेस बेस में लगा दे मतलब 2t इज इक्वल टू 2। अब दोस्तों यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, बिल्कुल यही आ रहा है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन ये तो सेम इनवॉल्विंग हो रहा है ना, हाफ ईयर लुक में, अगर इस वाले में हमारा एज नहीं तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ऐसे निकल के आएगा दोस्तों, क्या निकल गया दोस्तों 2 ईयर्स निकल के आएगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये तो हाफ ईयरली के टी इक्वल टू 1 निकल के आ रहा है, लेकिन हमें टोटल ईयर के क्या करना है, आंसर लिखना पड़ता है, टी इक्वल क्या आ जाएगा 2 ईयर्स। ऑप्शन में वो करने के लिए बहुत आपको माइंड चेक करता है कि हाँ इस आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कैसा बना रहे, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 18 नंबर, एग्जांपल नंबर 18 दोस्तों, फाइंड द रेट प्रेजेंट पर एनम, क्या निकाले बोला है, रेट निकाले बोला है पर एनम इफ 2 लाख्स अमाउंट टू 2,31,525, क्या बोला है प्रिंसिपल हमें कितना देगा, प्रिंसिपल हमें 2 लाख्स है और हमारा अमाउंट क्या है 2,31,525 इन हाफ ईयर इंटरेस्ट, क्या बोला 1.5 ईयर्स इंटरेस्ट बींग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब सेमी ईयरली, यहाँ पे क्या लिखा है कंपाउंड हाफ ईयरली। आइए कुछ नहीं रेट निकाला है, इससे पहले टाइम निकालते हैं, क्या करेंगे रेट निकालेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर दोस्तों, एग्जाम्पल्स नंबर एटीन क्या है दोस्तों, हमारा प्रिंसिपल दे रखा था कितना दोस्तों 2 लाख, ठीक है, और अमाउंट भी दे रखा है कितना दोस्तों 2,31,000 और कितना दोस्तों 525, हमें टाइम भी दे रखा है 1.5 ईयर्स। आर इजकल टू क्या हुआ निकाल रहे, कंपाउंडेंट क्या है दोस्तों सेमी इनवली मतलब हाफ ईयरली, ठीक है दोस्तों। आइए इन्हें भी करते हैं दोस्तों तुम्हें प्रिंसिपल दे रखा कितने 2 लाख हो गया, अमाउंट 2,31,005 हमें निकालना है रेट। तो आइए फार्मूला तो हमारा वही है दोस्तों, क्या है ए इजकल टू P1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हाफ के 2t और नीचे
200। ओके दोस्तों, बिल्कुल क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, क्या आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा हो? एज कितना दे रखा है? 231,525 इज इक्वल टू 2 लाख। ओके दोस्तों, 1 प्लस रेट तो हमें निकालना ही है और टाइम हमें देखो 1.5 ईयर्स इंटू 2 मतलब 3। देखिए दोस्तों 1.5 इंटू 2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बिल्कुल वहाँ पर 0 निकल गया था इसलिए आपको 30 दिखा था। कोई नहीं, अब हम इन्हें क्या करेंगे, ये तो मल्टीप्लाई में तो नीचे आया था, डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड करके लिखते हैं कितना होगा। 231,525 ये ना, बिल्कुल डिवाइड 2 लाख 1.157625 ये टोटल प्लान नंबर लिखे दोस्तों, क्या निकल के आ रहा है? 1.157625 इज इक्वल टू इसकल टू 1 प्लस आर के 100 200 का पावर 3। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब ये तो होल के पावर 3 है दोस्तों, बिल्कुल ये भी जो भी नंबर आपको दे रखा है वो कितने के पावर 3 हुआ दोस्तों, क्या हो रहा है? कितने के पावर 3 हुआ? 1 हो गया, क्या हो गया ना पहले, इससे पहले हम क्या करते हैं इनको एक बार निकाल लेते दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अगर ये किसी के पार 3 होगा तो 3 हमारा पार कर देगा, जो भी बेस होगा लिखा जाएगा। तो आइए 1.1562 मीन्स क्या करेंगे हम, इससे पहले आपको पढ़ते 1.05 के लिए करते हैं इनटू 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ओ 1.05 के आ रहा है 3 टाइम्स है, क्या निकल के आ रहा है? 1.57625 के निकल के आ रहा है 1.05 डिवाइड इक्वल टू 3 1 प्लस आर अपन 200 का पावर 3। अब ये पावर पावर क्या आ जाएगा? सेम आर है तो हमारा निकल क्या आ जाएगा? 1.05 इक्वल टू 1 प्लस आर अपन 200, ये तो माइनस हो जाएगा आर एंड 200 इक्वल टू 1.05 माइनस 1 आर अपन 200 1.05 माइनस 1 कितना आ रहा है? 0.05। इसमें हमें मल्टीप्लाई 200 कर देंगे 0.05। अब मल्टीप्लाई करके दिए हमारा क्या निकल के आ रहा है? 10% क्या निकल के आ रहा है हमारा? इंटरेस्ट हो जाएगा आर इजकल टू 10%। क्या समझ आया कि नहीं है दोस्तों, क्या आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ आ रहा है, इसमें कुछ था ही नहीं, रेट निकाल दिए उसके पहले टाइम निकाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, क्या कहते हैं एग्जांपल्स नंबर 19 दोस्तों, एग्जांपल्स नंबर 19 क्या कह रहा है? अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू कितना है? 78,013 एट द एंड ऑफ 1 ईयर फाइंड द सम। हमें क्या दे रखा है दोस्तों? हमें अमाउंट दे रखा है कितने? 78,030 और हमें वो भी दे रखा है, क्या दे रखा है? ईयर भी दे रखा है, क्या है? 1 ईयर। तो अगर सेमी एनुअली बोलते क्या अगर टूटी हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 2 इसका क्या हो जाएगा? ईयर्स हमारा 2 ईयर्स हो जाएगा। रेट कितना है? 4% है, उसमें डिवाइड बाई 2 मीन्स पहले कहने मतलब टी इसकल टू 1 ईयर्स आर इसकल टू 4% अमाउंट है तो प्रिंसिपल नहीं निकलेगा। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट से क्या होता है? कम होता है। अमाउंट से क्या होता है? कम होता है। आइए ये भी क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 19, ठीक है दोस्तों। अमाउंट हमें दे रखा है गिवन में 78,013, टाइम भी दे रखा है 1 ईयर्स और रेट भी दे रखा है 4% पर एनम। कंपाउंडेड क्या है दोस्तों, ये भी हाफ ईयरली है, ये भी कंपाउंडर क्या है, आप ये लिखना पड़ गए तो आपको मैं बोल दिया तो समझ आएगा। बुक भी आपके पास है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आइए दोस्तों इन्हें करते हैं, और इसके बाद कुछ तो दिया ही नहीं कि ये इज इक्वल टू क्या दोस्तों, P1 + R/100 का पावर टी। पी निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दोस्तों ए दे रखा है 78,013 हो गया इक्वल टू P1 + R बने को क्या हो गया दोस्तों 4/, अब 100 पर क्या निकले 200 करेंगे और 2T करेंगे, तो 200 और टी कितना है 1 ईयर से मल्टीप्लाई 2 से 2 हो जाएगा 78,013 इक्वल टू पी। अब क्या करना दोस्तों 4/200 + 1 करके 2 times मल्टीप्लाई 4/200 + 1 × 2 times क्या है मल्टीप्लाई 1.0404 क्या लिखा है मल्टीप्लाई देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे 1.0404 तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 78,013 डिवाइड में 1.0404 78,013 डिवाइडेड 1.0404 निकल रहा है 75,000। मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या निकल गया दोस्तों 75,000। समझ आए कि नहीं है दोस्तों, हमारा क्या निकल गया प्रिंसिपल निकल कर क्या रहा है, हमारा अमाउंट कितना दिया था 78,013, ठीक है। क्या समझ आएगी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, एग्जाम्पल्स नंबर 20 दोस्तों, क्या है 16,000 इन्वेस्टेड एट 10% पर एन कंपाउंड इन सेमिल। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 60,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा, ये भी सेम एनुअली है दोस्तों, एंड अमाउंट्स टू कितना है 80,522। फाइंड द टाइम पीरियड, अब इसमें क्या पूछा दोस्तों टाइम पीरियड निकाल रहे। आइए इन्हें भी ख़त्म करते हैं दोस्तों निकाल के। एग्जांपल्स नंबर दोस्तों 20, एग्जांपल नंबर 20 में क्या था, प्रिंसिपल हमें गिवन दे रखा है कितना ₹60,000, अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट आपको दे रखा है 80,522, बिल्कुल 80,522। हमें आर इजकल टू दे रखा है 10%, ये भी क्या है कंपाउंडेड सेमी एनुअली दोस्तों, टाइम हमें निकालना है, यही पूछा है दोस्तों, क्या यही पूछा है, बिल्कुल दोस्तों यही पूछ रखा है, इसमें कुछ है ही नहीं, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन बस। आइए ए इजकल टू P1 + R/100 पावर टी, क्या यही है, बिल्कुल दोस्तों यही है 80,522 इज इक्वल टू P = 60,000 1 + R क्या हो जाएगा 10/100। यहाँ पर क्या लिखे हैं 200 हाफ ईयरली है, यहाँ पर लिखे हैं 2T, अब ये हमें 2T अरे क्या निकाल टी हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब ये तो नीचे जाएगा डिवाइड होगा, बिल्कुल कीजिए 80,522 डिवाइड 60,000 1.157625 इज इक्वल टू 1 प्लस
ये क्या निकल के आएगा, 10 अप डिवाइड बाई 200 200 प्लस 1 1.05। ठीक है दोस्तों, 10 डिवाइड 200 प्लस 1 कितना 1.05। ये सोल्व कर तो 1.05 आ रहा है दोस्तों, 1.05 के पावर 2t। अब ये 1.05 कितने टाइम्स करेंगे तो हमारा इससे मिलेगा 1.05 × 2 × 3 × 3 में क्या आ रहा है, हमारा मिल रहा है 1.05 के 3 टाइम्स में, और क्या हो रहा है मिल रहा है 1.05 के पावर 2t। ये निकल के आ जाएगा 2t = क्या आ जाएगा, 3 मीन्स t = क्या आ जाएगा दोस्तों, 1.5 ईयर्स। लेकिन ये तो हमारा क्या हो रहा है, सेमी इनवॉली के टाइम्स निकाला, अगर यली के अंदर t = हमारा 3 ईयर्स ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, t = क्या आएगा, 3 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ये हाफ ईयर लेके 1.5 ईयर। ठीक है दोस्तों, क्या समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन हमारा आंसर तो 1.5 ईयर्स मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हम डायरेक्ट किया, ये तो बस आपको समझाने के लिए। ओके बिल्कुल, आइए हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये होगा जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद में हमारा आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, वो अगले लेक्चर्स में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जाम्पल्स 21 देखते क्या है उसमें। एग्जाम्पल्स नंबर 21 दोस्तों, अ पर्सन ओपन एन अकाउंट, क्या है पर्सन क्या अकाउंट खुलवा रहे कितने April 2011 विथ अ डिपोजिट ₹800। ठीक है, द अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंड, क्या है दोस्तों क्वार्टरली है, उसने क्या 6% क्या कर रहा है कंपाउंड क्वार्टरली पे कर रहा है। ऑन October 1, अब क्या है October 1, 2011 के ही क्लोज द अकाउंट एंड एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन 6 मंथ टाइम डिपॉजिट फॉर कितना 1000। अर्निंग उसमें कितना था दोस्तों, 6% कंपाउंड मंथली, क्या 6% कंपाउंड दोस्तों मंथली। अब हमें तीन चीज़ें निकालना है इसमें, क्या क्या, एक तो हाउ मच एडिशनल अमाउंट इज द पर्सन इन्वेस्टेड October 1, कितना एडिशनल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया वो निकालना है। व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ टाइम डिपॉजिट इन, क्या वाला है April 1, 2012, कितना है 12, हमें तो पहले वो निकालना है कि कितना उसने क्या किया है डिपॉजिट किया है। हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न, हम टोटल इंटरेस्ट हम कितने अर्न किया वो निकालना है। ठीक है, इन तीस से निकालना है, कुछ नहीं दे रखा था, एक पर्सन अकाउंट खुलवाए थे April 2011 को, उसने डिपॉजिट 800 किया, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा था 6% कंपाउंड क्वार्टरली, फिर उसने क्या किया October 1 उसके अकाउंट क्या हो गया क्लोज हो गया, एडिशनल मनी फिर इन्वेस्ट उसने किया कितना 6 मंथ टाइम जी बोलू 1000, और वो हम क्या निकाला मंथली। ठीक है, वो तीन चीज़ जो आपको लिखा है एडिशनल अमाउंट कितना है October 1 के, जो भी हमें मेच्योरिटी वैल्यू डिप टाइम पे उसको कितना होगा और टोटल इंटरेस्ट कितना होगा हमें ये निकालना है। चलिए आए दोस्तों इन्हें भी करते हैं, क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सही तरीके से देगा, बहुत सही से समझ आ गया, आइए इन्हें भी करते हैं फिर और समझ आएगा आपको। तो दोस्तों एग्जाम्पल से नंबर कितना है 21। ठीक है दोस्तों, पहला तो आपको निकालना था क्या, हाउ मच एडिशनल अमाउंट इज द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1। तो दोस्तों क्या लिखेंगे कि द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, साथ में लिखे दोस्तों द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन इंटरेस्ट इंटरेस्ट फोर अप्रैल, ठीक है दोस्तों, और जून, अप्रैल जून एंड जुलाई, क्या दोस्तों सितंबर, क्योंकि हमें क्वार्टरली में तो इतना ही हुआ दोस्तों, बिल्कुल क्वार्टर क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ, डेट इज क्या कहेंगे तो डेट इज 4 2 क्वार्टर, क्या निकल बन के आ रहा है 2 क्वार्टर्स बन के हमारा आ रहा है, क्या रहा है 2 क्वार्टर्स बन के, मीन्स इन दिस केस
हमें एक क्या निकल के आ जाएगा, आई स्क्वल टू आ जाएगा, 6/4 मीन्स कितना आ जाएगा, 1/2% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.015 भी लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा कंपाउंड अमाउंट क्या निकल के आ जाएगा, कंपाउंड अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा दोस्तों 800 1+0.0152, क्यों क्वार्टरली हमें निकाल लिया, बिल्कुल। तो दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, 8000 इंटू ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर के दोस्तों 1+0.015 1.01 इंटू इतना, 2 × 1.03022 50 आ रहा है, 1.03022 225 00। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, क्या है दोस्तों 1.03022 50 00 मल्टीप्लाई कितना 800 824.18 क्या निकल गया दोस्तों, 824.18 कर गया हमें, क्या निकल के आ रहा है, कंपाउंड अमाउंट। और एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था वही हमें निकालना है ना, तो आइए द एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट फिर कितना हो गया, 1000 - 824.18 करके निकाल दोस्तों, हमारा जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, एडिशनल अमाउंट क्या किए बेस्ट। टेस्ट समझ आ रही है, कंपाउंड क्वार्टरली था ना, सब कंपाउंड दो बार क्वार्टर बन जाएगा, बिल्कुल। दूसरा हमें बी नंबर में क्या दिया था, क्या निकालने लगे दोस्तों, बी में बोला था हमको कि मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस टाइम डिपॉजिट इन कितने April 1, 2012 कितना होगा, ये निकालना था, बिल्कुल। तो ये निकालते हैं, क्या लिखा था, मान लो इन दिस केस, थोड़ा लिख देते बात है, इन दिस केस द टाइम डिपॉजिट अर्न इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली था, बिल्कुल कंपाउंडेड मंथली फोर कितना दोस्तों, 6 मंथ कितना दोस्तों, 6 मंथ बिल्कुल। मीन्स आइज करो क्या आ जाएगा हमारा, आइज करो दोस्तों 6/12 हो जाएगा, होता है ना, बिल्कुल। मीन्स 0.5% हो गया, मीन्स 0.005 ये 100 भी करेंगे ना दोस्तों, ये 0. तो सिर्फ 5 का डिवाइड 100 भी करेंगे, 0.005 आ जाएगा डायरेक्ट, इसने 1200 कर देगा, ठीक है समझ आ गया, बिल्कुल। परसेंटेज लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब समझे ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए बोला, मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, कोई नहीं दोस्तों। तो हमारा प्रिंसिपल जो भी हमारा क्या अक्टूबर के कितना डिपॉजिट किया, 1000 1+0.05 क्या हो जाएगा, 0.005 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हाँ। तो आइए इन्हें भी करते 1000, अब इसको प्लस करके 6 times कर देंगे दोस्तों, हमारा क्या निकल के आएगा वही हो जाएगा, 1+0.005 कितना था, 1.005 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 6 times 2, 3, 4, 5, 6 times के बाद आ रहा है 1.03037750 दोस्तों, 1.03037750 अभी कर दो, जरूर इस करके देखिएगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1000 × 1000 कर देंगे, कितना निकल जाएगा, 1030.38 1030.38। ठीक है दोस्तों, दिस समय के बाद में जो भी नंबर से उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये हमारा क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, ये हमारा निकल के आ रहा है मैच्योरिटी वैल्यू,
ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और बात बोलते लास्ट पॉइंट हमारा, हाउ मच टोटल इन्वेस्टेड वाज अर्न, ये बोला है ना, बिल्कुल कितना हो जा रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर एक, एग्जांपल से नंबर इसके सी पॉइंट बोला था टोटल कितना, तो टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना है दोस्तों, रू 24.18 प्लस 30.38, क्या समझ रहे हैं? ये भी 1030, इसके आगे क्या है, यह 1013.38 ये हो गया, और एक दूसरा निकाल कितना ऊपर 24.18 हो गया, क्योंकि 800 तो दोस्तों क्या आ गया, 800 तो पहले 24.18 यही तो इंटरेस्ट आ रहा है ना, और प्लस ये कितना 13.1000 था, 13.3 हमारा क्या निकल गया था दोस्तों, ये टोटल हमारा 54.56 हमारा निकल के आ जा रहा क्या, टोटल इंटरेस्ट ऑन, ठीक है दोस्तों, हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आ जा रहा है। तो ये रहा दोस्तों हमारा यहीं तक रखते हैं, अगले नेक्स्ट में नेट रेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आने वाले, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।